हे गाइस, स्वागत है सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ पांच गलतियां बताऊंगा जो कि हर एक प्लेयर फ्री फायर का क्लास स्क्वाड मैच खेलने के दौरान करते हैं, जिनके वजह से भाई उनको भाई हार मतलब उनका जो मैच है वो हार जाते हैं या फिर वो अच्छे खासे किल नहीं कर पाते। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा आपको कैसे कौन कौन सा ऐसा गलती आपको नहीं करना है, कौन से ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है जिस वजह से आप हर एक मैच को विन कर सको। तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बिना टाइम गवाए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई जो पहली गलती है भाई, बहुत सारे बंदे जो पहले राउंड में भाई वो कौन सा गन को खरीदे वो समझ नहीं पाते हैं। 500 का खरीदे या फिर यूएसपी या फिर यूएसपी जो 2 होता है, मतलब जो भी गन खरीद रहे हैं उनको भाई वो कंफ्यूजन हो जाते हैं कौन सा गन खरीदे। भाई वो आपको आपके मर्जी से नहीं खरीदना है, आपको देखना है कि कौन सा मैप पे है और कौन से प्लेस में आपका वो मैच पड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लॉन्ग रेंज में फाइट होने वाला था तो मैं यहाँ पर M500 खरीद लिया, जिसका फायदा भी मुझे हुआ था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं एनिमी एक दूर से मार रहा था जिसका मैंने यहाँ पर फायदा ले सका था, मतलब उसको नॉक किया था और फिनिश भी कर दिया था। तो भाई ऐसे ही आपको करना है, मतलब M500 देखो लोगे तो भाई आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली, पर आपको देख के लेना है कौन से प्लेस में आपका मैच पड़ा है उस टाइम पे। तो यहाँ पर देखो लॉन्ग रेंज पे फाइट हो रही थी तो M500 मेरा काम आ गया। और जो जो राउंड में आपको लगता है यहाँ पर भाई ज़्यादा घर है, यहाँ पर क्लोज रेंज में फाइट होने वाले, तो भाई आपको शॉर्ट वाला जो शॉर्ट रेंज में फाइट लेने वाले छोटा गन है, मतलब M5 को छोड़ के जो भी आपको छोटा वाला गन मिलता है उसी को ही लेना, ताकि आपका जो मैच में भाई आप अच्छे खासे किल करो, आपको कुछ कहीं नहीं मिल सके, ताकि आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी गोल्ड बाय कर सको, मतलब गन की बाय कर सकते हो। तो भाई जो पहला चीज भाई आपको ये ध्यान में रखने की, भाई जो भी मैप आया है जो भी प्लेस है उसी को देख कर आपको पहला गन को बाय करना है। तो भाई जो दूसरी गलती है, बहुत सारे बंदे करते हैं कि क्या करते हैं, देख सकते हैं हमारे टीम मेट के साथ मतलब 3 नंबर और 1 मैं और मिल के रहे थे, पर 1 नंबर और जो 4 नंबर वो है अलग ही, मतलब वो इधर चला गया था और 1 नंबर उधर चला गया था, जिसकी वजह से देख सकते हो यहाँ पर उनको डाउन कर दिया गया था। हालांकि हमने जाकर उनको रिवाइव दे दिया, फिर भी देख सकते हैं आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। देखो आपके टीम मेट आपके पास आस हो गए तो भाई आपको वो कवर देंगे, वो रिवाइव भी दे देंगे, पर आपको कभी भी अकेला होकर आपको रस नहीं करना कि अकेला होके जाके आपको फाइट नहीं लेना है, मिलकर ही जाना, क्योंकि भाई ये एक स्क्वाड का मैच है, वो आपको मार भी सकता है आप उसको मार भी सकते हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप इसलिए आपको ध्यान में रखनी है, आप तो मार सकते हो, ऐसा नहीं कि आप हार जाओगे, पर ऐसा हो सकता है आप मर भी सकते हो, इसलिए आपको ये चीज़ की ध्यान रखनी है। आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि आपके टीम मेट के साथ आपको मिलकर ही रहना है। तो भाई जो तीसरी गलती है भाई, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, जब भी उनको एनिमी दिखता है वो मारने के लिए खुले में चले जाते, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक परमानेंट कवर को पकड़ना है, मतलब परमानेंट कवर को पकड़ के आपको छुपके से मारो या फिर कवर लेते लेते मारो, पर आपको एक परमानेंट कवर को लेना है, उसके बाद ही मारना है, ताकि देखो आप जब भी नॉक हो जाओगे तो भाई आपका टीममेट आके आपको रिवाइव दे देगा, परमानेंट आप कवर पे रहोगे तो और एनिमी भी आपको फिनिश नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने परमानेंट कवर पे था, इसलिए एनिमी को ही भनक तक नहीं पता चला था, और जैसे ही वो आया था उसको मैंने मार भी दिया था। तो भाई आपको ये ट्राई करना है। और बहुत सारे बंदे क्या करते हैं भाई, परमानेंट कवर नहीं लेते, जिसकी वजह से देखो एनिमी आपका ग्लूअल डालोगे तो भाई वो फोड़ देगा, भाई ग्लूअल को कितना ज़्यादा ग्लूअल से फोड़ के आपको भी वो मार सकते हैं। तो भाई आपको ये एक चीज़ की ध्यान रखनी है, आपको पहले परमानेंट कोई भी कवर को पकड़ना है, उसके बाद जाके आपको एनिमी के साथ फाइट लेना है, ताकि मतलब एनिमी आपको मार भी नहीं सके। तो भाई जो फोर्थ नंबर की गलती है भाई, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं भाई, स्मोक ग्रेनेड, ये भाई बहुत सारे दिन से हमारे गेम के अंदर एड हो चुका है, पर भाई कोई भी बंदा यूज नहीं करता। भाई क्यों नहीं यूज करते, मतलब इसका इतना ज़्यादा एडवांटेज है, इवन मैं भी यूज नहीं करता, पर इसके बाद मुझे जब भी उसका एडवांटेज के बारे में पता चला, भाई मैं भी स्मोक ग्रेनेड को भाई क्रॉबर यूज करने के लिए, भाई ग्लू वाला के पास है या फिर नहीं स्मोक ग्रेनेड है तो भाई आप एक दूसरे से मतलब एक जगह से एक दूसरे प्लेस पे जा सकते हो, या फिर आपके टीममेट को रिवाइव दे सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो स्मोक ग्रेनेड आपके पास है तो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं स्मोक ग्रेनेड को यूज करके कितना ज़्यादा फायदा ले सका, मतलब इतना ज़्यादा आपको फायदा देगा, पर आप तो भाई आपके पास ग्लूअल है या फिर नहीं है, मैं स्कोप ग्रेनेड तो भाई आप बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हो एक मैच से, मतलब स्कोप ग्रेनेड को डाल के भाई आप टीममेट को आपके रिवाइव दे सकते हो। तो यहाँ पर और एक क्लिप लगा रहा हूँ, देख सकते हो एनिमी वहाँ से मुझे मार रहा था और यहाँ पर मेरे पास ग्लूअल खत्म हो गया था और एनिमी था कि भाई स्क्वायलर फेंक के मैं क्रोनो को मतलब ग्लूअल को तोड़ दिया। मैंने क्या किया, स्कोप ग्रेनेड को फोका मतलब डाला, जैसे ही उसको है पता नहीं चला, मैं यहाँ से घूम के जाके उसको फिनिश आउट कर दिया। तो भाई आपको भी स्कोप ग्रेनेड को यूज करना चाहिए। तो भाई जो 5 नंबर की गलती है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला गलती है, मतलब बहुत सारे बंदे ये गलती करते हैं, क्योंकि देखो ये गलती आप कर रहे हो तो भाई आप मैच में जीत भी सकते हो और हारोगे तो हारोगे। देखो आपका गेम प्ले थोड़ा बहुत अच्छा है तो भाई जीत जाओगे, पर आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्लासिक में यूज करते हैं, फुल मैप के लिए यूज करते हैं, वही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को भाई क्लास स्क्वाड में भी लगा के आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ क्लास स्क्वाड के लिए, और आपको उसके बारे में डिटेल्स में जाना है तो भाई चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। क्लास स्क्वाड के लिए मैं प्रॉपर एक गोल्ड का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी बताया हूँ, डायमंड का भी, मतलब आपके पास डायमंड के कैरेक्टर है आलोक वालोक क्रोनो ब्रोनो तो भाई उसका भी बताया हूँ। तो भाई यहाँ पर एक बेसिक वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ जो कि आपको क्लास स्क्वाड के लिए फायदा देने वाला है। तो भाई जो आपको पहला कैरेक्टर रखना है भाई वो आपको मैक्सिम ही रखना है, उसके बाद जो 80 वाला स्किल वाला कैरेक्टर
कैरेक्टर भाई, आपको क्लू रख सकते हो। क्लू कैरेक्टर यहाँ पर मेरा लेवल 1 ही है और लेवल 1 में ये कुछ भी ज़्यादा काम नहीं आएगा, तो भाई क्लू कैरेक्टर को मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आपके प्लस क्यू का मतलब लेवल थोड़ा सा मैक्स है 3 या फिर 4 का है तो भाई यूज़ कर सकते हो। उससे भी भाई नहीं है आपके पास क्लू है तो भाई आपको हुकोंग या फिर स्काइलर भी यूज़ कर सकते हो। स्काइलर हुकोंग भी बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला कैरेक्टर है क्लास स्क्वाड के लिए। उसके बाद आपको जो यूज़ करना है स्पेसिव स्किल का भाई वो है डीबी, या हमको गोल्ड भी मिलता है तो भाई ये आपको यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। डीबी कैरेक्टर को यूज़ करना, जो हमको थर्ड में फोर्थ में यूज़ करना है वो है भाई हायातो। हायातो बहुत ज़्यादा सही वाला कैरेक्टर है क्लास स्क्वाड के लिए, तो भाई हायातो कैरेक्टर को आपको जरूर यूज़ करना चाहिए। तो भाई यही था कुछ जो चीज़ें जो कि मैं आपको क्लास स्क्वाड में, आपको गलती नहीं करोगे तो भाई गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, आप भी आप हर एक मैच को जीत सकते हो अच्छे खासे किल करके। तो भाई बहुत सारे बंदे का क्या होता है कि भाई ये तो अभी तो उनको ट्राई जा जो भी चीज़ें बताया गलती वो करते हैं वो तो अभी याद रहेगा, पर जब भी वो मैच खेलने जाते वो सारा का सारा भूल जाते हैं। तो भाई आपको ये करना है कि भाई इस वीडियो को एक लाइक कर देना है या फिर डाउनलोड करके रख देना है, जब भी आप मैच खेलने जाओ तब आके एक बार ये वीडियो को मतलब थोड़ा सा भी देख लो तो भाई आपको पता चल जाएगा भाई आपको कौन कौन सी चीज़ें को ध्यान में रखनी है क्लास कोड खेलने के वक्त। एक या फिर दो बार देखोगे खेलने के टाइम के भाई आपको पता चल जाएगा आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है मैच खेलने के दौरान, तो भाई आपको कभी भी गलती नहीं करोगे। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। ये गलती को मत करो भाई, मैं गारंटी देखता हूँ आप 3 से 4 दिन के अंदर भाई क्लास स्क्वाड में भी आप भी बहुत ज़्यादा खेलने मतलब अच्छे खासे खेल सकते हो। तो भाई मिलते हैं कुछ मजदूर तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।